गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारे तो खून में टाइटेनियम है। A few inches later. तो गाइस यार आपको पता है कि आपका भाई सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखता है और फिर देखता है कि क्या वो सब चीज़ें सही में काम करती है या फिर नहीं करती है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी ही चीज़ को ट्राई करके देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी हाँ, सभी को पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन रियल में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है मुझे नहीं लगता है किसी को पता होगा। तो हम इसी चीज़ को ट्राई करेंगे और इस नियम की मदद से हम दुनिया का सबसे हीटेड रूम, हॉट कमरा बनाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रूम जो कि नेचुरली गर्म होगा, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो गाइज अभी तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है। रियल के अंदर होगा या फिर नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ काम करे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए नया नया खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन हाँ जब भाई लोगों का प्यार मिलता है, वीडियो पे लाइक्स आ जाते हैं, तब दिल खुश हो जाता है और सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो गाइस यार इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 5 लाख लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और हम बनाते हैं दुनिया का सबसे हॉट रूम, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और नेचुरली। राइट गाइस, तो यार ये बनके तैयार हो चुका है हमारा नेचुरल हीटिंग रूम। तो गाइस यार इसे बने हुए 10 से 15 मिनट हो चुकी है, मैंने अभी ही इसे थोड़ा सा सील किया है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अंदर से ये गर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी गाइस आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है, देखो इधर से भी फूल रहा है, उधर से भी फूल रहा है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसे जितना हो सके उतना एयर टाइट बनाए। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर से ये सच में गर्म हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस यार बाहर आप देख सकते हैं कि सरफेस टेम्परेचर अगर अपन देखें तो अभी का जो टेम्परेचर वो है 77.4 फ़ारेनहाइट। अंदर चल के देखते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है, देखते हैं। आ जाओ लंडो, कुछ देर हम इसी के अंदर रहेंगे क्योंकि यार बाहर सच में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, धूप पड़ रही है लेकिन उसके बाद भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो हमारा भी प्लान ये है कि कुछ देर इसके अंदर रहेंगे और देखते हैं कि अंदर से ये कितना गर्म है। मैं तो खाने के लिए कैसा है? ओ ऑलराइट गाइस, तो यार जैसे ही हमने इस गेट को खोला अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं बाहर आ रही है, तो चलो अंदर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार ये तो उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जबकि इसे 15 से 20 मिनट ही हुए हैं बंद करे हुए। अब क्या करते हैं, इसे भी सील कर देते हैं ताकि अंदर की हवा अंदर ही रहे, बाहर से इसे सील कर दो और देखते हैं कि क्या है। और गाइस बाहर मैंने आपको दिखाया था जो सरफेस टेम्परेचर था वो था 77 फ़ारेनहाइट, इस 77 के आसपास था।
अभी देखते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, देखना आपके सामने। वो 113 डिफरेंस देखा गाइस आपने, बाहर था 77 और अंदर है 113, और मैं इसे सच में महसूस भी कर पा रहा हूं। यकीन मानो गाइस यार, ये अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, और अभी 10 से 15 मिनट ही हुए हैं देखो। बाकी गाइस आप देख सकते हैं कि अंदर की हवा इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि हमारा जो पॉलीथीन का हाउस है वो फूलने लग गया है। ऊपर देखो, ऊपर की पन्नी किसी हॉट एयर बलून की तरह फूल चुकी है। और गाइस अगर अंदर की पन्नी का मैं यहां से टेम्परेचर दिखाऊं पास से, तब देखना, क्योंकि इधर से सीधी सनरेज पड़ रही है, वो 123। जी हाँ, तो गाइस यार इसके पीछे का जो फंडा है वो भी काफी सिंपल सा है। ब्लैक पन्नी जो होती है सन रेज को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो ये व्हाइट कलर है, अगर इस पे सनलाइट गिरती है तो ये व्हाइट कलर सन रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जो ब्लैक कलर होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो गर्म होने लग जाता है। और इसके अंदर भी काफी सिंपल सा फंडा है, ब्लैक पन्नी पूरी तरीके से गर्म हो रही है और उसकी जो गर्मी है वो इस रूम के अंदर आ रही है। कैसा लग रहा, गर्म है? लेकिन गाइस अब देखते हैं कि जैसे जैसे सनरेज इस पे पड़ती जाएगी ये गर्म होता जाएगा, और देखते हैं कि कितनी देर बाद ये कितना ज्यादा गर्म होता है। अभी तो 10 से 15 मिनट ही हुए हैं, तब तक हमारे पास खाने के लिए पानी पताशे है। बाकी यार गर्मी लग रही है अभी से। ऑलराइट गाइस, ये पानी मिला। तो गाइस इसे बनाते बनाते भूख लग गई थी, तो हमने कहा यार चलो पानी पताशे खा लिए जाए। पानी पताशे मंगाए, फिर आइडिया आया यार कि बाहर थोड़ी सी ठंड है, अंदर ही खाते हैं। A few minutes later. Alright guys, तो यार पानी पताशे खाने के बाद हमें सिर्फ 10 मिनट इस रूम के अंदर हुए हैं, और ये जो रूम है बुरी तरीके से गर्म हो चुका है। अंदर की हवा काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है, और साथ ही साथ गाइस आप देख सकते हैं कि अंदर की हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है कि हमारा ये जो हीटिंग रूम है इसकी दीवारें फूल गई है। ये पूरी तरीके से फूल चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है और फैलती है। हमने इसे एयर टाइट कर रखा है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एयर टाइट है, और ऊपर से ये पूरी तरीके से फैल रहा है। अगर मैं आपको उधर का टेम्परेचर दिखाऊं तो आप देखना कि क्या टेम्परेचर आता है। ऑलराइट गाइस, हमारा जो टेम्परेचर है अब वो रेड शो कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसने टेम्परेचर बताना भी बंद कर दिया है और ये पूरा हाई बता रहा है। एक बार वो ट्राई करते हैं, देखो हाई है, नॉर्मल करते हैं। आपको पता है कि बॉडी जो होती है ना वो कोशिश करती है कि अपने आप को मेंटेन करे, चाहे कितना भी ज़्यादा हीट हो वो अपने आप को एक एवरेज टेम्परेचर पर रखती है। मैं अपना देखता हूँ कितना आ रहा है, 98.4। ओके, अभी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के अनुकूल है, लेकिन जो रूम का टेम्परेचर है, अगर मैं रूम का देखूं हमारे इस रूम का, तो पूरे रूम का जो टेम्परेचर है वो हाई है। हमारा जो थर्मामीटर है यानी कि जो भी है ये टेम्परेचर नापने का, ये इस चीज़ को सेंस भी नहीं कर पा रहा है। और जो पन्नियाँ हैं अगर मैं पास से देखूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि हाई शो रहा है। देखो अभी मैं खुद का देखता हूँ, मेरा कितना है 98.2, और जो पन्नी है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है कि पूरा हाई दिखा रही है। ऑलराइट गाइस, थोड़ी देर और ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इस हीटिंग रूम के अंदर हम कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया यार गाइस, मैंने सोचा था कि बस नॉर्मल इतना गर्म होगा कि हम इसके अंदर आराम से बैठ सके, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे धूप पड़ती जा रही है अंदर की हवा गर्म होती जा रही है, और पूरा रूम बुरी तरीके से गर्म हो रहा है। कैमरा रख दो, देखते हैं कि हम कितनी देर तक इसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। यार
ऑलराइट गाइस, देखते हैं कि कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। अभी सिर्फ इस रूम के अंदर हमें आधा घंटा हुआ है, ठीक है। A few moments later. कितना आ रहा है? 99. All right guys, तो अभी मेरा टेम्परेचर भी 99 हो गया है, इसका देखते हैं। ओ शिट मैन, आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी टेम्परेचर कुछ नहीं हुआ, इसका बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया आप खुद देख लो। इसका देखते हैं, इसका मुंह देखो पूरा लाल हो गया है। मुंह दिखा उधर। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रूम है कितना ज़्यादा हीटिंग कर रहा है। इसका देखते हैं। ओ हाँ, 107 देख लो गाइस, मजाक की बात नहीं है। देखो हमारा तो खून में टाइटेनियम है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे पक्का पता है कि हम में से एक ना एक बंदा तो फ्लैट जरूर होगा। गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये रूम कितनी ज़्यादा हीटिंग पैदा कर रहा है कि अभी जनवरी का महीना है और मुझे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ओह, देखते हैं कि कितनी देर तक हम इसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। वाह, ऑलराइट गाइस, चलो मैं आपको कैमरामैन का चेहरा भी दिखाता हूँ, इनको कितनी भयंकर गर्मी हो रही है। इधर आ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं, अरे इधर आ, शक्ल दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं, एक बार इनके लिए वीडियो को लाइक करना बनता है। बाकी गाइस, हमारा कैमरा भी अभी ओवर हीट हो चुका है बहुत ज़्यादा। ओह गाइस, हमें इस हीटिंग रूम के अंदर 1 से 1.5 घंटा होने वाला है। जी हाँ, और इससे ज़्यादा आई थिंक यार हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ऑलराइट गाइस, बहुत हुआ। हमें आपको ये दिखाना था कि एक सिंपल सी टेक्निक की मदद से हम सर्दियों के अंदर भी किसी रूम को कितना ज़्यादा हीट कर सकते हैं। अब बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। ऑलराइट गाइस, तो जो पन्नी है वो भी सच में बहुत ज़्यादा। ऑलराइट गाइस, तो पहली बार धूप में जाना अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर ठंड है यार। ओह भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि धूप में नहीं बल्कि किसी ऐसे कमरे के अंदर आ गए हो। क्या चिल्ड चिल्ड लग रहा है मुझे, चिल्ड यार। सच बता रहा हूँ, ऐसी भी फेल है भाई। ऑलराइट गाइस, तो यार यकीनन आप इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रूम कह सकते हैं जो कि नेचुरली रूम को गर्म करता है। ओह, तो गाइस यार आई होप। राइट गाइस, तो यार जैसे ही हम इस सीटिंग रूम से बाहर आए, वीडियो ख़त्म करना चाह रहा था, ख़त्म करने से पहले हमारा कैमरा जो भी कैमरा बहुत ज़्यादा हीट होके बंद हो गया, इसीलिए मुझे अपने फ़ोन से ही वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।